सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए राष्ट्रीय अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बना रही है, क्या ये सच है? चलिए आगे वीडियो में जानते हैं। अक्सर विवादों में रहने वाली और अपनी मौत का ड्रामा करने वाली एक्ट्रेस पूनम पांडे अब एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं। बीते दिनों उन्होंने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई थी। बाद में यह हवाला दिया कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर देश में जागरूकता के लिए ये कदम उठाया था। हालांकि इस पब्लिसिटी स्टंट के लिए उनकी खूब किरकिरी हुई। आम जनता से लेकर सेलेब्स तक ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। खैर, इसके बाद अब ये अफवाह उड़ी कि पूनम पांडे सरकार के कैंसर जागरूकता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बन सकती हैं। तो लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ये सच है? तो अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि एक्ट्रेस पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के राष्ट्रीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा। यह स्पष्टीकरण तब आया जब सूत्रों ने कहा कि पूनम पांडे को इस अभियान का चेहरा बनाए जाने की संभावना है और वे और उनकी टीम मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही है। वहीं आपको ये भी बता दें कि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने अंतरिम बजट भाषण में कहा कि सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए सरकार 9 से 14 साल तक की लड़कियों के टीकाकरण को प्रोत्साहित करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि एक्ट्रेस पूनम पांडे को सर्वाइकल कैंसर पर जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के राष्ट्रीय अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर विचार नहीं किया जा रहा। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए इंस्टा फीड।